कहने का भाव है दास का कि परमात्मा जब यहाँ आते हैं अपने यथार्थ ज्ञान को समझाने की चेष्टा करते हैं। सन 1398 में ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी, जेठ उत्तरते की पूर्णमासी और विक्रमी संवत 1455, सन 1398 को परमात्मा सतलोक से चलकर सहशरीर आए काशी शहर बनारस के बाहर एक लहर तारा नामक तालाब में कमल के फूल के ऊपर आकर परमात्मा विराजमान हो गए, एक नवजात शिशु का रूप धारण करके। नीरू और नीमा नाम के दो पति पत्नी थे, जुलाहे का कार्य करने से वो जुलाहे कहलाते थे और मुसलमान धर्म के अंदर वो रह रहे थे। वैसे तो उसी जन्म में ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे, मुसलमानों ने उनको बलपूर्वक मुसलमान बना दिया था। तो दुल्हे का कार्य करने लगे जिस कारण से दुल्हा कहलाए। और परमात्मा पूर्व जन्म के अपने प्रॉमिस अनुसार अपने वचनबद्ध हुए थे नीरू नीमा के बच्चे के से, उसके कारण वो नीरू नीमा का बच्चा उस जन्म में नहीं था। जैसे द्वापर के अंदर एक सुदर्शन नाम का भगत था, उसने परमात्मा को ढंग से जाना था, उसमें कबीर परमेश्वर जी करुणा में नाम से आए हुए थे। तो सुदर्शन जी के माता पिता थे यही आत्मा जो नीरू और नीमा बनी अगले जन्मों में। तब सुदर्शन जी ने प्रार्थना की थी, परमात्मा मेरे माता पिता ने बड़ी भारी गलती कर दी, आपके ज्ञान को स्वीकार नहीं किया, अब वो ना जाने किन किन योनियों में कष्ट उठाएंगे, परमात्मा आप दया करियो किसी जन्म में अपने बच्चों को शरण में लेना। परमात्मा उसी अपने वायदे अनुसार प्रॉमिस अनुसार उनको मिले थे। नीरू नीमा अर्थात ये जुलाहा दंपति स्नान करने के लिए उस सरोवर में पहुंचे। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में वहाँ बच्चे को पाकर वो घर ले गए। अब संक्षिप्त में सुनाऊंगा, ज़्यादा विषय और है आज हमारा। और वहाँ जुलाहे के घर प्रवेश की लीला होने के कारण वो परमात्मा जुलाहा कहलाए, जुलाहे का कार्य करने लगे। तो पुण्यात्माओं, वो परमात्मा ही हमें आकर यथार्थ ज्ञान देता है। अब उस परमेश्वर ने इसलिए वहाँ उस समय जुलाहे के घर में आना अनिवार्य जाना, क्योंकि वो तो परमात्मा है, हम तो जीव बुद्धि हैं, अपनी बुद्धि अनुसार हम विवेचन कर रहे हैं। परमात्मा ने ये जाना कि शूद्र जाति उस समय बहुत ही अछूत माने जाती थी और एक धारणा बनी हुई थी कि भक्ति मार्ग का काम तो ऋषि ब्राह्मणों का ही होता है और यही पार हो सकते हैं, यही भक्ति कर सकते हैं। दूसरी धारणा ये थी कि इन ब्राह्मण गुरुओं के शिष्य अधिकतर सेठ लोग होते थे, वो दान धर्म बहुत किया करते थे वैश्य कुल के, और बाकी अन्य भी स्वर्ण जातियाँ भी उनकी शिष्य हुआ करती थी। और शूद्र को भक्ति का अधिकारी नहीं माना जाता था, उनको मंदिरों में जहाँ भी पूजा स्थल होते थे वहाँ जाना अलाउड नहीं था। तो परमात्मा ने ये सारी बेड़ियाँ हटाने के लिए ये जो जकड़ रखा था समाज जाति मजहब के अंदर, उन सभी
बंधनों को काटने के लिए, समाप्त करने के लिए परमात्मा आए थे। अब उन्होंने आकर के हमें क्या ज्ञान दिया? राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल के हे भनक पड़ेगी कान। मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना बनवाया क्या काम। कबीर हरि की भक्ति करो तज विसिया रस चोज, बार बार ना पाओगे ये मनुष्य जन्म की मौज। मानुष जन्म दुर्लभ है ये मिलन बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहुर न लगता डार। साथी हमारे चले गए हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही ताते लगी है वार। पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मन माही, ये ऊंची टहनी पात थे अब पीले हो जाही। पात जड़नता यूं कहे सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले न जाने कहाँ गिरांगे जाए। तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहाँ की याहे रीति है एक आवे एक जात। अब परमात्मा ने कितना मार्मिक तरीके से इस भोली आत्मा जो काल की भांग पिए पड़ी है, कितने मार्मिक ढंग से समझाया है। एक पत्ते और वृक्ष और वन का उदाहरण दिया है। क्या बताते हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, और जैसे तरवर से पत्ता टूट गया वो बहुर नहीं लगता डार, उसी स्थिति में एज इट इज दोबारा उस शाखा पर उस टहनी पर वो दोबारा स्थापित नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार परमात्मा हमें समझाने की चेष्टा करते हैं कि आप जिस संसार और इस परिवार को, संपत्ति को, शरीर को अपना मान करके यहाँ बिल्कुल सथाई होकर बैठे हो, ये ऐसी स्थिति है आपकी, जिस दिन आप इस टहनी से टूट गए फिर उस घर में उसी स्थिति में दोबारा आप स्थान नहीं पा सकते।